से हमारे साथ फोन लाइन पे दिवाकर जी जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी नमस्कार, पूछिए किस टॉक पे आप राय जानना चाहेंगे। नमस्कार मैडम, हेलो, मैं रिलायंस ने 50 स्टॉक रखा हुआ है मैडम, जो 2504 में लिया हुआ है, तो अभी मेरा एक महीना लगभग हो गया है, तो हम उसको होल्ड करें कि बेच दें मैम। ठीक है, तो चलिए एक महीने की ही इनकी फिलहाल खरीद है रिलायंस, जो कि इन्होंने 2504 के भाव पे लिया है। कुछ आपकी क्या राय होगी इस काउंटर में, क्योंकि हमने एक गिरावट तो देखी थी ऊपरी स्तरों से, पर अब फिर से जो काउंटर है उसमें कुछ दिनों में तेजी देखने को मिली है, और साथ ही आज भी इन्होंने एक डील की अनाउंसमेंट की है। आने वाले समय में और नए साल में आप क्या टारगेट्स रख रहे हैं रिलायंस के लिए? अब देखिए, रिलायंस इसी लेवल के आसपास काफी समय से ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा फॉर्मेशन बनाया है, और जैसा आपने सही कहा, अभी इसमें फ्रेश न्यूज और फ्रेश मोमेंटम के चलते तेजी देखी जा रही है। यहाँ इन्हें सजेशन रहेगा कि अगर ये एवरेज करना चाहे तो भी यहाँ पे इस स्टॉक को एवरेज किया जा सकता है, और 2250 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में ये निवेशित रह सकते हैं 2700 के टारगेट के लिए।